श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मकर संक्रांति एक अत्यंत दिव्य तिथि है। ये भारतवर्ष तो त्योहारों, पर्वों, उत्सवों का देश है। अपने यहाँ तो प्रतिदिन उत्सव है, लेकिन ऐसे जो मासिक तिथियां हैं वो तिथियां चंद्रमा के अनुसार चलती हैं। जिस पक्ष में चंद्रमा घटती हैं उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो वर्ष भर तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति के अनुसार होता है, लेकिन संक्रांति का निर्धारण सूर्य की गति के अनुसार होता है। चूंकि चंद्रमा में घटबड़ होती है इसलिए तिथियों में भी घटबड़ होती है। कभी 16 दिन का पक्ष हो जाता है, 17 दिन का भी पक्ष हो जाता है, और कभी 13-14 दिन का भी पक्ष रह जाता है। लेकिन सूर्य से संबंधित तिथियों में घटबड़ नहीं होती। प्रायः हर महीने में संक्रांति आती है और 14-15 तारीख के लगभग में ही संक्रांति होती है। 12 राशियों में सूर्य गतिमान रहते हैं तो 12 महीने में संक्रांति होती है। लेकिन जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। सारी संक्रांति विशेष है, पर मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व इसलिए है कि मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है और उत्तरायन को देवताओं का दिवस कहा जाता है। तो प्रथम जो पौराणिक महत्व है, मकर संक्रांति पर देवताओं का सूर्योदय है और देवता लोग गंगा स्नान करके, जैसे प्रति व्यक्ति स्नान के द्वारा ही अपना दिन शुरू करता है, तो देवता भी इस मकर संक्रांति को, उनका सूर्योदय हुआ है, दिवस प्रारंभ हुआ है, इस उद्देश्य से पवित्र तीर्थ सरोवर श्री गंगादि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान दान की अत्यंत महिमा है। देवताओं का सूर्योदय है, सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस समय पर एक विशेष ऊर्जा और तरंगों का प्रसव होता है। स्नान दान की तो विशेष महिमा होती ही है, और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति ऐसी है जो अलग अलग नामों से पूरे देश में मनती है। गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, इधर उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं। अनेक बार इस अवसर पे दक्षिण में भी कथा हुई है तो वहां तो बड़ी अलग प्रकार की प्रथा है। खूब संपन्न परिवारों की महिलाएं अपने पति के साथ में दाल चावल कच्चा सामान लेकर के जाती हैं और कहीं मंदिर में ईंटों का चूल्हा बना के, कच्चा चूल्हा बना के वहाँ खिचड़ी बनाती हैं सवेरे और भोग लगा करके उसका वितरण करती हैं। कहीं इसको खिचड़ी भी कहा जाता है,
उत्तरायण कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है, और इस दिन तिल का बड़ा महत्व है। ऐसे पूरे समय ही जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं तो तिल का बड़ा महत्व है। तिल वराह भगवान के द्वारा प्रकट है। जब हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए वराह भगवान प्रकट हुए तब उस समय उनके पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उससे तिल उत्पन्न हुआ है। तिल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वराह भगवान से प्रकट है, इसलिए तिल सब देवताओं को चढ़ता है, सबको बहुत प्रिय है। तिलदान की बड़ी महिमा है। तो प्रभु को तिल भोग, खिचड़ी में तिल मिला करके, तिल की गज्जक, तिल के लड्डू, तिलकुट, अपने स्नान के जल में तिल डाल के स्नान करना, इतना तक पुराणों में वर्णन है कि तिल डाल के स्नान करे तो व्यक्ति निष्पाप होता है। यहां तक लिखा है कि तिल न हो किसी के पास, तो तिल 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 कह के स्नान करे तो भी तिल स्नान का पुण्य होता है, निष्पाप होता है। और क्या महिमा है। और आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन, श्री कपिल भगवान श्री गंगा सागर पर विराजे हैं जाके। हम लोग भागवत जी में आगे सुनेंगे, कपिल भगवान अपनी माता जी को उपदेश करेंगे, तब अपनी माता जी को उपदेश करके आप गंगा सागर पर विराजे हैं। और आज तक कपिल भगवान गंगा सागर पर ही विराजमान है। गंगा सागर पे कौन देवता का मंदिर है, कपिल भगवान ही तो विराज रहे। तो कपिल भगवान गंगा सागर पर विराजे हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर भारत का सबसे बड़ा मेला गंगा सागर पर लगता है। ऐसे 12 महीने स्नान होता है, पर मकर संक्रांति पर विशेष स्नान होता है। पूर्व समय में तो सागर के बीच में से जो प्राचीन विग्रह है कपिल भगवान का, वो बाहर निकल के आता था। पुराने लोगों के मुख से हमने सुना है, जिन्होंने ऐसा दर्शन किया है। अभी तो जल में विलीन है मंदिर। तो श्री कपिल भगवान गंगा सागर पर विराजे हैं। और मकर संक्रांति के दिन ही सारे विश्व को कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का उपदेश देने के लिए इस पूरे भारतवर्ष में कृष्ण नाम संकीर्तन की गंगा प्रवाहित करने के लिए स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने मकर संक्रांति के दिन ही ग्रह त्याग किया है 24 वर्ष की आयु में। और मकर संक्रांति को ग्रह त्याग करके श्री केशव भारती जी से संन्यास लेकर के सारे जगत को श्री कृष्ण प्रेम का दान किया, सनातन धर्म की ध्वजा को सर्वोपरि करके आपने लहराया है। तो बहुत महत्व है। तो उपस्थित समस्त बंधुगण को और YouTube चैनल के माध्यम से जो इस कथा का सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यह मकर संक्रांति हमारे भी जीवन में भाग्योदय करने वाली हो, सूर्योदय करने वाली हो। ऐसे तो रोज सूर्योदय होता है, लेकिन जीवन में जब प्रेमोदय हो, भाग्योदय हो, ज्ञानोदय हो, तभी सूर्योदय माना जाएगा। तो देवताओं के सूर्योदय का समय है, तो सब खूब उल्लासपूर्वक मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।